इनऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट है आपकी कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग किस तरह की होती है, बंधन किस तरह का होता है। ठीक है, तो ये बंधन जो होता है धातु और लिगेंड के बीच में, ये किसके बेस पे एक्सप्लेन करते हैं हम, अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है, सिद्धांत है अलग अलग, टोटल 4 सिद्धांत अभी तक आए हैं इसके बॉन्डिंग को या बंधन को समझाने के लिए। पहला जो सिद्धांत था आपका वीबीटी, बैलेंस बैंड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, किसने दिया था, पॉलिंग ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में इसमें कुछ कमियां थी, इसके बाद में दूसरा सिद्धांत आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, क्रिस्टल बंध सिद्धांत। ठीक है, उसके अंदर हम मेन क्या यूज करते हैं, सी एफ एस सी क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या क्रिस्टल क्षेत्र की स्थायित्व की एनर्जी है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। थर्ड जो आपका आया वो आया MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कुछ सिद्धांत मोलिकल ने दिया था। और फोर्थ जो लास्ट में अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो है लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, वो इसी का पार्ट है, लिगेंड फील्ड थ्योरी है। ठीक है, लिगेंड फील्ड थ्योरी या लिगेंड क्रिस्टल सिद्धांत भी बोला जाता है इसको। ये हमारा लास्ट सिद्धांत है ट्रांजिशन मेटल के लिए। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल के लिए ये 4 सिद्धांत हैं। तो हमें आपके जो सिलेबस में है वो 2 थ्योरी है, एक तो है BBT और इसकी लिमिटेशंस, ठीक है, और दूसरी है CFT और उसकी लिमिटेशंस। ठीक है, हमने लास्ट वाली क्लास में ये BBT संयोजकता बंध सिद्धांत शुरू किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये BBT दी किसने, पोलिंग ने 1931 में। ठीक है, और इसके कुछ इसने करेक्टरिस्टिक बताए थे, कुछ अभिलाक्षणिक गुण बताए थे कि संयोजकता बंध सिद्धांत में हम किसी भी धातु कॉम्प्लेक्स को या धातु संकुल को किस तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, तो वो हमने स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर BBT में ये क्या क्या चीजें बताता है कि अगर कोई भी मेटल है तो वो मेटल लिगेंड के साथ बंध किस तरह से बनाएगा। मेटल के पास क्या होता है, खाली कक्षक होते हैं। ठीक है, मेटल के पास खाली SP D कोई भी कक्षक हो सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है किससे, मेटल से। ठीक है, और क्या करता है, उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ठीक है, केंद्रीय धातु करता क्या है, केंद्रीय धातु जो होती है वो उसके पास जितने भी खाली कक्षक हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, वो सारे आपस में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, संकरण करते हैं, संकरण करके उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, संकरित कक्षक बनाते हैं। उन सारे संकरित कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन देता है कौन, लिगेंड। ठीक है, लिगेंड क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके। ठीक है, तो जब क्या हो, खाली कक्षक, धातु के खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन देता है कौन, लिगेंड, तो ये बॉन्ड बनता है सिग्मा, लेकिन कौन सा बंध होता है, ये उपसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग किस तरह की होती है कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, इसको इस तरह से हम शो करते हैं। ठीक है, मेन जो करेक्टरिस्टिक थी संयोजकता बंध सिद्धांत की, उसी के अंदर यही चीजें थी। एक इसने क्या बताया कि अगर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण के आधार पर हम उन धातु संकुलों की ज्यामिति भी बता सकते हैं, ज्योमेट्री भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने संकरित कक्षक भाग में ले रहे हैं, 6। ठीक है, 6 संकरित कक्षक अगर भाग ले रहे हैं तो इस धातु की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी क्या होता है, 6 होता है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर उपसहसंयोजक संख्या, ये क्या चीज होती है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हुए हैं उस केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है कि उस धातु परमाणु के पास में कितने खाली कक्षक प्रेजेंट है। जितने खाली कक्षक होंगे उतने में ही ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा उसके साथ, उपसंयोजक बंध बनाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो अगर 6 है तो मतलब क्या है, D2SP3 संकरण, 6 कक्षक खाली है, यहाँ पे D2SP3 संकरण है, तो यहाँ पर ज्यामिति क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी उस मॉलिक्यूल की, अष्टफलकीय या फिर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगर यहाँ पे संकरण sp3d2 है
तो भी ज्यामिति क्या होगी, अष्टफलकीय ही होगी। बस फर्क क्या है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यानी आंतरिक कक्षक लेकर ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, सर्कुल बना रहा है, और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। लेकिन बीपीटी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता कि कौन सा कॉम्प्लेक्स d2sp3 देगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स sp3d2 देगा, लेकिन उसने ये बोला कि अगर ये संकरण है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर धातु की 6 होती है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, अष्टफलकीय होगी। अगर यहाँ पर मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन देगा या फिर sp3 देगा, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, dsp2 है तो वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय संरचना होती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो वो रेखीय संरचना शो करता है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ये पॉइंट हमने कल वाली क्लास तक कर लिए थे, ठीक है। आज वाली क्लास में हमें क्या पढ़ना है कि ये जो बॉन्ड बनते हैं मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा, ठीक है, मेटल लिगेंड का सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसके अंदर गुण कैसे होते हैं, उपसहसंयोजक बंध के होते हैं, तो इनकी इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, उपसहसंयोजक बंध की प्रवृत्ति होती है। फोर्थ पॉइंट है आपका ये बीपीटी का या वैलेंस बैंड थ्योरी का कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, जिसके अंदर धातु के खाली कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन देता है कौन, लिगेंड, और क्या बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। ये आपका 6th पॉइंट है कि ये सिग्मा बॉन्ड होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है मेटल और लिगेंड के बीच में, पहला जो बंध बनता है वो क्या होता है, सिग्मा बंध, और इसकी प्रकृति क्या होती है, उपसहसंयोजक। ठीक है, उपसहसंयोजक नेचर होता है इसका, ये आपका 4th पॉइंट है। अब 5th पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर कि ये जो लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड क्या होता है, जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर, ठीक है, लिगेंड की प्रवृत्ति के बारे में बताया कि लिगेंड जो है वो क्या होता है, ये बताया बीपीटी ने कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कम से कम क्या हो, एक लोन पेयर, ठीक है, कम से कम एक लोन पेयर हो तो वो लिगेंड की तरह बिहेव करता है और वो इलेक्ट्रॉन देता है जिसको, मेटल को, ठीक है, ये चीज आई लिगेंड। बीबीटी ने लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं बताई कि लिगेंड की प्रकृति से इस मेटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बीबीटी के अंदर नहीं बताया गया। कि जैसे हम पढ़ते हैं आगे वाली थ्योरीज में कि लिगेंड भी दो टाइप के होते हैं, एक प्रबल लिगेंड होता है, एक दुर्बल लिगेंड होता है। प्रबल लिगेंड जो कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है और दुर्बल लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं बताई गई, यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया कि लिगेंड जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, इसके ऊपर कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या बताया, 6th पॉइंट, कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है ये दो तरह का होता है, बंध जो बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में ये क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो आपको पहले बताया कि सिग्मा बंध होता है, जो कि क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब मेटल जो है, धातु जो है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अगर अधिकीय में आ जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण, इलेक्ट्रॉन घनत्व धातु के ऊपर बढ़ने के कारण इसमें क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी के लिए वापिस सारे इलेक्ट्रॉन किसको देता है, लिगेंड को, लेकिन लिगेंड के खाली कक्षकों में, वो खाली कक्षक डी पाई के भी हो सकते हैं लिगेंड के, और पी पाई के भी हो सकते हैं। तो जब ये मेटल वापिस इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड को, तो यहाँ पर जो बंध बनता है वो क्या होता है कि मेटल लिगेंड को बॉन्ड दे रहा है, पहला बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, तो ये सिग्मा है, तो ये कौन सा होगा, पाई होगा, ठीक है। लेकिन इसको बोला क्या जाता है, बैक पाई बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या बनता है, बैक पाई बॉन्ड बनता है, पश्च पाई बंध बनता है, पश्च पाई बंधन यहाँ पे होता है। अब पश्च पाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, पहले तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं,
उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी मेटल के ऊपर, तो यही इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, वापस देते हैं किसको, लिगेंड को, उसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर, खाली कक्षकों के अंदर। तो ये हुआ हमारा बैक बोन, लेकिन ये कौन सा बंध बनाएगा, पाई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैक पाई बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक पाई बॉन्डिंग भी क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक जिसके अंदर क्या हो, बैक पाई बॉन्ड दो होता है, एक जिसमें मेटल का डी पाई इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड के डी पाई के अंदर। ठीक है, यानी मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन देंगे किसको, लिगेंड के डी ऑर्बिटल को, अगर लिगेंड के पास खाली डी कक्षक है तो। ठीक है, या फिर क्या होता है कि मेटल के डी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड के पी पाई को। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जब मेटल के डी इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, लिगेंड के पी ऑर्बिटल, अगर उसके पास पी ऑर्बिटल खाली है तो। ठीक है, ये दो तरह की बैक पाई बॉन्डिंग होती है, ये किस में बताया गया है, बीबीटी में बताया गया है। ठीक है, ये 6 पॉइंट हुए। अच्छा, इसका अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाएंगे, इन दोनों का मेटल है तो मेटल के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल को हम एमओटी के अंदर किस तरह से दिखाते हैं, कितने लोब होते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर, पी कक्षक में दो लोब होते हैं इस तरह से, है ना, डी में क्या होते हैं, चार होते हैं, डी कक्षक को हमेशा इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मली आपको दिखाना है डी कक्षक को इस तरह दिखाया जाता है, अगर आपको, आप उसको डिवाइड करो डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो वो पांच टाइप है कि डी को हम पांच पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि डी ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर एक डी कक्षक को आपको दिखाना है तो उसके चार लोब होते हैं, यानी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, अब इसका अगर ये मेटल है तो इसका बॉन्ड बनता है किसके साथ, लिगेंड के साथ, ये इसका क्या है, डी ऑर्बिटल है। ठीक है, इस तरह से दिखाते हैं हम इसको। ठीक, लिगेंड का अगर पाई बॉन्ड बना रहा है तो वो किस तरह से बनाएगा, इस तरह से, यानी यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो रही है कौन सी, मेटल का डी और लिगेंड का पी। ठीक है, इसको, इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है एमओटी वो इस तरह से बनेगा। अगर हमें क्या करना है, डी पाई का बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, लिगेंड का भी पी कक्षक बनाना पड़ेगा और इसका भी डी कक्षक बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है, अगर इसके हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, एमओटी बनाए, तो किस तरह से बनेगा, अगर डी पाई है तो मेटल का डी इस तरह से बनेगा। ठीक है, और लिगेंड का डी इस तरह से बनेगा। ठीक है, और इनके बीच में ये बॉन्डिंग होगी, तो ये क्या है, मेटल का डी, ये लिगेंड का डी। ठीक है, और दूसरा जो होता है जिसमें एक डी है और एक पी है, तो वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से, ये लिगेंड है, लिगेंड का पी पाई ऑर्बिटल है और ये मेटल का डी पाई ऑर्बिटल। ठीक है, ये इनके क्या है, मोलिकुलर डायग्राम है, ये भी बताए गए हैं किसके अंदर, बीबीटी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है कि ये जो बैक पाई बॉन्डिंग होती है ये क्यों होती है। ठीक है, सेवंथ पॉइंट जो है आपका बीबीटी का, वो ये बताता है कि बैक पाई बॉन्डिंग जो है वो हम करते हैं इन संकुलों के स्थायित्व के लिए। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है कि अगर हम ऐसे कोई मेटल लें जिसकी की ऑक्सीकरण अवस्था कम है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है का मतलब क्या है, इसके मेटल जो है वो हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडाइज स्टेट में रहती है। ऑक्सीडाइज स्टेट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है आसानी से, और क्या होता है, धनावेशित फॉर्म में रहता है।
तो जितने इसके ऊपर चार्ज होगा, जितना इसके ऊपर क्या होगा चार्ज होगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मेटल के पास खाली जो ऑर्बिटल है वो कम से कम है, तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर ऑक्सीकरण अवस्था कम है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब कि इसके पास, मेटल के पास जो खाली कक्षक है वो भी क्या है, कम है। अगर हम यहाँ पर फिर क्या कर रहे हैं, लिगेंड के साथ इसका बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या होती है, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये इसको क्या कर देता है, अनस्टेबल कर देता है। तो इसके बीच में क्या होता है, मेटल वापिस इलेक्ट्रॉन दे देता है लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल्स के बीच में, रिक्त कक्षकों में। तो यहाँ पर ये क्या होती है, बैक पाई बॉन्डिंग, और बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से ये कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है 7th पॉइंट। और लास्ट और 8th पॉइंट क्या बताता है इसके अंदर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में, ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में क्या बताता है कि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, यानी वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, सिर्फ इतना बताता है, ये नहीं बताता कि उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का कारण क्या है। ठीक है, ये एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं किया जाता है, सिर्फ आपको ये बताता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, वो अनुचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक है या प्रतिचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक, ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। तो ये हमारी क्या थी, वीबीटी की सारी बातें थी, मेन मेन पॉइंट थे संयोजकता बंध सिद्धांत के जो पॉलिन ने दिए थे। अब आपके इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, कि क्या कमियां रह गई बीबीटी के अंदर, जिसके कारण हमने नेक्स्ट नया सिद्धांत खोजने की कोशिश। ठीक है, यही हुआ कि जब बीबीटी में हमें कमियां मिली तो हमने क्या किया, उसको ओवरकम करने के लिए नया सिद्धांत लेके आए, जो कौन सा था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी या वीबीटी की कमियां या सीमाएं, कि वीबीटी की सीमाएं क्या थी जिसके कारण हमें क्या करना पड़ा, नेक्स्ट वाली थ्योरी लेके आनी पड़ी। तो अब इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स पे ही हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये वीबीटी जो है उसमें क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब एक मेटल लेते हैं, एक लिगेंड लेते हैं। ठीक है, मेटल कैसा होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर जिसके पास खाली कक्षक हो, और लिगेंड ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन अधिक्या में हो या कम से कम एक लोन पेयर हो। ये चीज वीबीटी ने बताई, लेकिन वीबीटी ने यह नहीं बताया कि लिगेंड जो है उसका नेचर किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, लिगेंड का नेचर किस तरह का होना चाहिए। अगर जैसे हमने बाद में पढ़ा कि स्ट्रोंग लिगेंड जो होता है, प्रबल लिगेंड अगर हम लेते हैं तो वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देता है। लेकिन अगर हम वीक लिगेंड लेते हैं तो वो अनपेयर्ड रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स में। तो यहाँ पर वीबीटी में इलेक्ट्रॉन सॉरी लिगेंड के नेचर के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, एक मेन लिमिटेशन है ये वीबीटी की, जिसके अंदर यहाँ पर इसने ये नहीं बताया कि लिगेंड जो है उसका नेचर किस तरह का हो, तो आपका मेटल कॉम्प्लेक्स किस तरह से चेंज हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से चेंज होती है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज होती है अगर हम लिगेंड का नेचर चेंज करते हैं। ठीक है, कैसे, हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम रहते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि जीरो रहे, तो उससे क्या होता है, वो प्रतिचुंबकीय हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। लेकिन अगर वीक लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी वो डायमैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय होगा। यानी यहाँ पर ये इस प्रति जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसको ढंग से एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं हो पाया, कौन सा आपका वीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, तो वो आपका एक और पॉइंट होगा जहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी ये ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन पहला पॉइंट आपका क्या है कि लिगेंड का नेचर को अच्छे से नहीं बताता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर कि ये कॉम्प्लेक्स के कलर, ठीक है, और उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताता, अवशोषण स्पेक्ट्रा, कलर के बारे में
और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन कब होगा, जब इस वीबीटी के अंदर हम मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स है उसमें स्प्लिटिंग करते, उनमें विरपाटन करते, ठीक है, तो यहाँ पे हम कलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वीबीटी में मेटल के डी कक्षकों के विरपाटन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अगर स्प्लिटिंग के बारे में नहीं बताया गया तो ये कलर भी नहीं बताएगा, क्योंकि कलर किसके वजह से होता है, डी ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉन के संक्रमण की वजह से यहाँ पर कलर होता है, उसी से ही हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है। लेकिन ये चीज एक्सप्लेन नहीं की गई है किसके अंदर, वीबीटी के अंदर। ठीक है, ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन है। ठीक है, अब थर्ड लिमिटेशन क्या है कि अगर हम कुछ इस तरह के एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कम से कम हो, यानी हम क्या करें उस ऑर्बिटल के या उस मेटल के इनर ऑर्बिटल्स को यूज करके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, उसके साथ बंद बनाते हैं, या फिर आउटर ऑर्बिटल के साथ करके बंद बनाते हैं। ठीक है, दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, या तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है मेटल और लिगेंड का, आंतरिक कक्षक बंद बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या तो क्या बनता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी आंतरिक कक्षक संकुल बनता है या फिर बाह्य कक्षक संकुल बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कब ये इनर कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये चीज एक्सप्लेन नहीं की वीबीटी ने। ठीक है, वीबीटी ने यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन नहीं की कि इनर ऑर्बिटल कब बनता है और आउटर ऑर्बिटल कब बनता है। ये इसका क्या था, थर्ड कमी थी, तीसरी कमी थी कि ये आपका कब कौन सा बनता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है कि जैसे कोबाल्ट है, ठीक है, तो कोबाल्ट क्या है, ज्यादातर किसकी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, प्लस थ्री के अंदर। कोबाल्ट ज्यादातर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहता है, तो उसके दो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक तो ऐसा लिगेंड जो कि वीक होता है उसके साथ, और एक ऐसा लिगेंड जो कि स्ट्रोंग है उसके साथ। ठीक है, तो हम अगर इसकी दो एग्जाम्पल लें, जैसे कोबाल्ट का आपने क्या किया, फ्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, तो ये क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन वीबीटी में नहीं है कि ये वीक लिगेंड है। ठीक है, तो इसका जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, और एक ऐसा जब हम क्या लें, स्ट्रोंग लिगेंड ले लें, एनी, ठीक है, ये क्या होता है, ये स्ट्रोंग लिगेंड होता है। ठीक है, अगर ये हम लेते हैं, ये इसके ऊपर चार्ज जीरो होता है, ठीक है, अमोनिया के ऊपर, तो अगर हम ये दोनों कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स ऐसा बनता है मेटल लिगेंड का जिसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, आंतरिक कक्षक संकुल बनता है, और एक के अंदर बाह्य कक्षक संकुल बनता है। लेकिन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के अंदर ही क्या है, प्लस थ्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वीबीटी ये नहीं बताता कि कौन सा संकुल इनर ऑर्बिटल देगा और कौन सा संकुल आउटर ऑर्बिटल देगा, और क्यों देता है। ठीक है, क्यों देता है, रीजन क्या है कि एक में हमने क्या लिया, वीक लिगेंड लिया है, एक में हमने स्ट्रोंग लिगेंड लिया है, लेकिन लिगेंड की प्रकृति वीबीटी में एक्सप्लेन नहीं की गई है, इसलिए ये भी नहीं बताता कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसको, ये जो एग्जाम्पल है इसको अपने ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो कोबाल्ट जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आउटर, ठीक है, ये जो है ये 3D का है, इस 3D के अंदर क्या है, 6 है, 4s खाली है हमारा और 4p भी खाली है। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास वीक लिगेंड है तो ये क्या होगा, अनपेयर्ड रहेंगे इलेक्ट्रॉन, किस तरह से भरेंगे, 3, 4, 5 and 6 इस तरह से। ठीक है, और हमें इस मेटल के बाहर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, यानी 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, यानी हमें इस मेटल के 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए।
ठीक है, तो छह ऑर्बिटल खाली कौन से होंगे, एस के एक, पी के तीन और आगे फोर डी के, ठीक है, इसके साथ फोर डी वाले काम में लेंगे, तो ये संकरण कौन सा हो जाएगा, एस पी थ्री डी टू, एस पी थ्री डी टू, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, छह लिगेंड के साथ जोड़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, छह है, तो छह ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल हमने कौन से यूज किए हैं, बाहर वाले, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या है, हमने जो लिगेंड काम में लिया है वो क्या है, एफ माइनस है, ठीक है, जो कि क्या होता है, वीक होता है, लेकिन वीबीटी में ये नहीं बताया गया कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हम सेम ही चीज है कोबाल्ट प्लस थ्री की फॉर्म में है, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे छह इलेक्ट्रॉन है तो छह इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो अब अगर हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करना है, खाली कक्षक चाहिए, छह चाहिए, तो ये कौन से हो जाएंगे, डी टू एस पी थ्री, यानी ये कौन सा बनेगा हमारा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये वीबीटी ये चीज एक्सप्लेन नहीं करता कि यहाँ पे क्यों पेयरिंग नहीं हुई, यहाँ पे क्यों पेयरिंग हुई, क्योंकि ये लिगेंड की प्रवृत्ति के बारे में नहीं बताता कि लिगेंड किस तरह का यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास इनर ऑर्बिटल बनेगा, और किस तरह का यूज कर रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और बाकी की लिमिटेशन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर अपने ये वीबीटी के लिमिटेशन कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद में सी एफ टी स्टार्ट करेंगे, सी एफ टी आपकी यहाँ पे डिटेल में है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हम जो डी ऑर्बिटल्स है उसका ओक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संरचना कहाँ कहाँ पे होती है और किस तरह से वो बनती है वो पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके साथ में आपके ऑर्गेनल डायग्राम भी है आई थिंक सिलेबस में, वो भी हम पढ़ेंगे।